हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियोज मैं अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुँच जाए। मार्केट देखिए इस टाइम काफ़ी अच्छे बुलिश रन में देखने को मिल रही है और जहाँ 20,000 पॉइंट से करेक्ट होकर मार्केट 19,000 पॉइंट से नीचे आई थी और वहां से दोबारा से रिकवरी पकड़कर 19,250 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी की लास्ट क्लोजिंग है। ऐसे में केपीआई ग्रीन एनर्जी की अगर हम बात करें तो आप लास्ट क्लोजिंग में देख सकते हैं स्टॉक में 5.23% की रिटर्न्स की तेजी हमें लास्ट क्लोजिंग में देखने को मिली है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है केपीआई ग्रीन एनर्जी जो है। देखिए आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर के शेयर के अंदर एक बड़ी तेजी हमें देखने को मिलेगी। अगर लास्ट क्लोजिंग की तरफ जाएंगे तो 826 रुपये और जो 3 नवंबर को जो क्लोजिंग हुई है 43 रुपीज की बढ़त और 869.90 ऑलमोस्ट 870 रुपये पे क्लोजिंग है। 5 दिन की बात करें तो स्टॉक ने 5% के आसपास की तेजी जो है बीते 5 दिनों के अंदर दिखाई है जबकि 1 महीने की अगर बात करें तो 2% के आसपास की भी करेक्शन है। 6 महीने का डाटा देखें तो 77% के आसपास के रिटर्न जो है बीते 6 महीने के अंदर केपीआई ग्रीन बनाकर दे चुका है। अगर आप 6 महीने पहले स्टॉक का प्राइस देखेंगे तो 490 के अराउंड था 5 मई को स्टॉक और अभी जो है 3 नवंबर को स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट 869 तक पहुंच चुका है। 1 साल की बात करें तो 135% के रिटर्न, 5 साल में 228% और अगर आप मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो स्टॉक की लिस्टिंग 264 रुपये पे थी 29 अप्रैल 2022 को 264 रुपये का स्टॉक और आज 870 रुपये के आसपास आप लोगों को ट्रेड करता नजर आ रहा है। 52 वीक हाई की बात करें तो 960 रुपये का 52 वीक हाई है और 346 रुपये का स्टॉक का 52 वीक लो भी देखने को मिल रहा है। तेजी के पीछे जो वजह है उसको जाने पर देखें 1 साल में पैसा हुआ डबल। अब कंपनी को मिला सोलर प्लांट का काम, शेयरों की मची लूट। शुक्रवार को केपीआई ग्रीन एनर्जी के शेयरों का भाव 867.20 रुपये पे था और बीते 1 साल के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 147% से अधिक की तेजी देखने को मिली है और ऐसे में शेयर बाजार में शानदार रिटर्न देने के बाद अब कंपनी ने बताया है कि उन्हें सोलर पावर प्लांट का काम मिला है। कंपनी को यह काम खुद की ही सब्सिडरी कंपनी से मिला है। बता दें केपीआई ग्रीन एनर्जी को 5.70 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाना है। ऐसे में एक बड़ा मोमेंटम जो है स्टॉक में देखने को मिल सकता है। इस वर्क ऑर्डर के मिलने के बाद कंपनी के पास अब 112 मेगावाट से अधिक सोलर पावर प्रोजेक्ट हो गए हैं जिसे आने वाले समय में पूरा करना होगा। 1 साल में ऑलरेडी पैसा डबल कर चुका है। शुक्रवार को 867 रुपये के आसपास बंद हुआ। बीते 1 साल के अंदर जो है दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 147% से अधिक की तेजी देखने को मिली है। यानी कि पिछले 1 साल से इस स्टॉक को होल्ड करने वाले निवेशकों का पैसा अब तक 2 गुना हो चुका है। वहीं बीते 6 महीने के दौरान केपीआई ग्रीन एनर्जी के शेयरों का भाव 75% से अधिक बढ़ा है। केपीआई ग्रीन एनर्जी का 52 वीक हाई 953 रुपये का, 52 वीक लो 346 रुपये का और बही खाता जो है वो बेहद मजबूत है क्योंकि पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में केपीआई ग्रीन एनर्जी का रेवेन्यू 643 करोड़ रुपये रहा है जो कि सालाना आधार पर 180% बढ़ा है। वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट जनवरी से मार्च 2023 के दौरान 109 करोड़ रुपये रहा है। तो नंबर्स अच्छे रहे हैं, मौजूदा स्थिति जो है काफ़ी मजबूत है तो ऐसे में केपीआई ग्रीन के अंदर एक बड़ी मोमेंटम बनेगी और स्टॉक जल्दी ही हमें 1000+ जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग से डेली का 3 से 4 हज़ार तक का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, साथ में स्टॉक्स रिलेटेड अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैं डेली 1 से 2 डेमो कॉल देता हूँ और इस 1 से 2 डेमो कॉल से आप प्रॉफिट प्लस लर्निंग दोनों ही कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मार्केट कैप की बात करें तो 3,133 करोड़ का मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन कैपिटल 24.7%, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 53% की है। फेस वैल्यू स्टॉक की 10 रुपये की है यानी कि इन फ्यूचर ये कंपनी स्प्लिट देने के लिए सक्षम है। बात करें अगर सितंबर क्वार्टर के नतीजों की तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 71 करोड़ रहा है जो कि क्वार्टरली बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी दोनों ही जगह इंक्रीज हुआ है। नंबर्स काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं और 1 साल में ऑलरेडी केपीआई ग्रीन पैसा डबल भी कर चुका है। अगली कंपनी की बात करें तो सिस्टांगो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। इनकॉर्पोरेटेड इन 2004, सिस्टांगो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। द ऑफरिंग्स ऑफ द कंपनी अनेबल कंपनीज टू डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मैनेज देयर ऑन कस्टमाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो कंपनी जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अंदर काम करती नजर आ रही है। साथ ही साथ में बिजनेस एरिया की बात करें तो वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट फॉर iOS एंड एंड्रॉइड एप्लीकेशन,
वेब थ्री डेवलपमेंट, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, डाटा इंजीनियरिंग, इंप्लीमेंटेशन ऑफ ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो कंपनी का जो एरिया है, एरिया ऑफ ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो काफ़ी वास्ट देखने को मिल रहा, जो कि इस स्टॉक को एक बेहतर स्टॉक बनाता है और आने वाले समय में इस स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी भी हमें देखने को मिल सकती है। मार्केट कैप की बात करें तो 415 करोड़ का मार्केट कैप, रिटर्न ऑन कैपिटल 41.2%, रिटर्न ऑन इक्विटी 34.9% फेस वैल्यू स्टॉक की 10 रुपये की है। फिलहाल की कंडीशन में मौजूदा हालत में कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री भी देखने को मिल रही है। बात करें अगर यहाँ पे नंबर्स की तो सेल्स जो रही हैं आप देख सकते हैं, मार्च 2022 में 16 करोड़, सितंबर 2022 में 22 करोड़ और मार्च 2023 में 30 करोड़ थी। अब की बार नंबर्स आए नहीं है कंपनी की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार बढ़ता जा रहा है और ऑलमोस्ट 32% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से जो कंपनी की बैलेंस शीट है, रिजर्व यहाँ पे आप देख सकते हैं 47 करोड़ के हैं और कर्जा सिर्फ 1 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, प्रमोटर्स के पास सितंबर 2023 क्वार्टर के अंदर 72% स्टेक है, FIs ने एकदम से घटा दिया है 3.32% से घटाकर 0.22% और DIs ने भी स्टेक जो है वो डिक्रीज किया है, हालांकि पब्लिक का स्टेक 22% से बढ़कर 26.15% सिस्टांगो टेक्नोलॉजी में हो चुका है। मौजूदा हालत फंडामेंटल भी ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल सही है, साथ ही साथ में अगर आप बात करें रिजर्व जो है कंपनी के पास वो भी मौजूदा दिनों में काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं और हालांकि स्टॉक में करेक्शन है तो एक मौका भी मिलता है अच्छी बाइंग करके लॉन्ग टर्म होल्ड करने का। अब बात कर लेते हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड की, देखिए जिसकी लास्ट क्लोजिंग हुई है 5% के अपर सर्किट में 34.44 रुपये पे लास्ट क्लोजिंग और प्रीवियस क्लोजिंग उससे पहले दिन की थी 32.80 रुपये पे। क्वार्टर टू के नंबर्स ठीक ठाक कंपनी पेश कर चुकी है और एक्सपर्ट्स की राय माने तो 40 रुपये के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, जो 30 रुपये का मैंने टारगेट दिया था लास्ट, पहले मेरा टारगेट था 20, सेकेंड 25, थर्ड इज 30, तीनों टारगेट स्टॉक ऑलरेडी अचीव कर चुका है। एक महीने की बात करें तो 16%, 6 महीने में 300% रिटर्न्स दे चुका है स्टॉक, एक साल की बात करें तो 321% और मैक्सिमम रिटर्न्स में देखें तो 72% के आसपास की करेक्शन ऊपरी सर से अभी भी है। अब जो कंपनी के CFO हैं उनकी तरफ से एक बड़ा बयान देखने को मिला है जो कि डेब्ट से रिगार्डिंग है, वो आपको मैं क्लियरली दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आ चुके हैं हम बैलेंस शीट पे, तो रिजर्व कंपनी के पास जहाँ एक टाइम पे देखें 12,000 कंपनी नुकसान में थी, 9,500, 8,000, 7,500, 8,000, अब कंपनी एकदम से प्रॉफिट में आ गई है सेप्टेम्बर क्वार्टर में। 690 करोड़ के फ्री रिजर्व है कंपनी के पास और जहाँ कर्जा एक टाइम पे 11,000 करोड़ के आसपास का कर्जा था, 13,000 करोड़ का कर्जा था, वो घटकर 146 करोड़ हो चुका है। तो अब यहाँ से कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव होने वाली है और स्टॉक हमें जल्दी ही 50 रुपये के पास जाता हुआ देखने को मिलेगा। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे आप देखें तो सितंबर क्वार्टर के अंदर कम हुई है 13.28%, FI ने स्टेक इंक्रीज कर दिया है सितंबर क्वार्टर में, DI ने स्टेक इंक्रीज कर दिया है और पब्लिक का स्टेक 65.99 जो कि क्वार्टर टू के अंदर डिक्रीज हुआ है। तो FI और DI दोनों ही यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को लेकर बुलिश है और स्टॉक में भी उसका खास असर देखने को मिल रहा है, तो होल्डिंग्स बरकरार रखें, लॉन्ग टर्म में बड़ा मुनाफा सुजलॉन एनर्जी बनाकर दे सकता है।